हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी विथ राजू दिस इज़ द थर्ड एपिसोड ऑफ साइंस सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड एन सी आर टी क्लास सिक्स टूडे वी विल स्टडी चैप्टर फोर विच इज शॉर्टिंग मटीरियल्स इन टू ग्रुप्स तो शॉर्टिंग मटीरियल्स का मतलब ही ये होता है कि बेसिकली यू आर कैटेगराइजिंग मटीरियल्स तो कैटेगराइज करने के लिए ऑब्वियसली देर आर सम प्रॉपर्टीज सो वी विल डील विद द प्रॉपर्टीज स्टेप बाई स्टेप सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर इज पहले की नॉर्मली इन दिस चैप्टर यहाँ पे ऐसी बातें हुई हैं कि बहुत सारे जो प्लेट है वो किस चीज़ का बना हुआ है पेन है तो पेन प्लास्टिक और मेटल का बना हुआ है वुड से आप क्या बनाते हो तो टेबल बनाते हो चेयर बनाते हो मैनी थिंग्स पेपर से क्या बन सकता है सो देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स अब हम आपने सोचा होगा कि जो टम्पलर है वो कपड़े से क्यों नहीं बना वो किसी और चीज़ से क्यों बना है या फिर क्लोथ है इसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं पेन है वो प्लास्टिक का है या मेटल का है पेपर का है तो इस बेसिस पे आप चीज़ों को अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हो अपेयरेंस सबसे पहले किसी भी चीज़ को बाहर से कैसे दिखता है जैसे मटेरियल्स यूज़ुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो दो, दो अलग अलग मटेरियल हमेशा अलग अलग दिखेंगे जैसे वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन तो ओनली फ्राम अपेयरेंस यू कैन टेल कि ये लकड़ी है और ये लोहा है उसके लिए यू डोंट हैव टू टच इट और टेक्स्चर कलर नथिंग अपेयरेंस ऑबियसली कलर कम्स इन अपेयरेंस तो अपेयरेंस से भी हमें पता चलता है कि कौन सा सामान कौन सा है फिर अब एक्टिविटी की बातें हो रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मटेरियल ले लो और उसको दो भाग में बांट दो कैसे फ, uh, तो अब एक सपोज इट्स वुड एंड मटैलिक रॉड तो आप उन दोनों को जब काटते हो तो उनके बीच में जब लोहा है अगर आप ने देखा होगा रोड साइड्स पे जो लोहे के काम होते हैं सो वेन एवर द लोहार जो आयरन स्मिथ है वैन एवर ही वर्कस देर इज़ अ सर्टन स्पार्कल तो वो साइन होती है वहाँ पे एक लश्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड लस्चरस प्रॉपर्टी मतलब कि एक मेटल जो होते हैं वो उनमें शाइन होती है मटेरियल्स जो होते हैं सो दे शाइन और दे आर यूजुअली मेटल्स तो जिन मेटल्स में शाइन होती है वो uh, उनको मेटल कहेंगे जैसे कि आयरन कॉपर अल्यूमिनियम गोल्ड दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि डल हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आयरन है तो वो हमेशा तो नहीं चमकेगा ना उसमें रस्ट भी लगी होती है तो so, जब आपका भी सम फ्रेशली कट सर्फेस जो होते हैं वो उनमें साइन होता है हार्डनेस की बात करते हैं अब कुछ चीज़ें हार्ड हैं कुछ चीज़ें सॉफ्ट है ऑब्वियसली अगर आप एक स्पॉन्ज देखो और एक आप आ, स्टील का ग्लास देखो आर दे इक्वली सॉफ्ट नो दे आर नॉट बिकॉज एक मेटल है एक नॉन मेटल से और ये आप कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे तो आपको पता चलेगा कि विच इज़ सॉफ्ट एंड विच इज़ हार्ड तो अपेयरेंस हमें पता चल गया सोल्यूबिलिटी की बात आती है सोल्यूबल का मतलब क्या होता है घुलनशील कोई भी चीज़ है वो घुलता कितना है फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ बीकर और आप पानी ले लो एक ग्लास में और उसमें आप चीनी मिलाओ सैंड मिलाओ और नमक मिलाओ हनी मिलाओ सो यू विल सी कि नॉट एवरी थिंग इज़ सॉल्यूबल अगर जो ग्लास में जिस ग्लास में पानी है उसमें बालू मिलेगा नहीं मिलेगा सो द सैंड इज़ इनसॉल्यूबल बट द नमक दैट वी मेक शरबत और एनी थिंग आउट ऑफ शुगर तो दैट हैज़ बिकम अ सिरप तो वो ख़त्म हो चुका है मीन्स कि वो उसमें मिल गया तो दैट इज़ सॉल्यूबल ऑब्वियसली तो यहाँ पे चार्ट है कि सॉल्ट है वो डिसअपेयर हो गया तो मीन्स वॉट एवर डिसअपेयर्स इट इज़ सॉल्यूबल और जो अब अगर सैंड मिलते हैं तो दैट इज़ क्लियरली विजिबल दैट इज़ इन सॉल्यूबल सो नाउ मूविंग ऑन वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट्स वाई इसको कहते हैं कि वाटर इज़ द बेस्ट डीटॉक्स तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन हैं उनको निकालने का काम करता है सो इट इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन नाउ दे आर आस्किंग कि आप एक विनेगर लेमन जूस मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल केरोसिन इन सबको इन सब को एक ग्लास टम्बलर टम्बलर मतलब आप बेसिकली आप मान लो एक बीकर ले रहे हो वहाँ पे तो उसमें सॉल्यूबल uh, करके देखेंगे कि विनेगर मिक्स इज़ वेल और लेमन जूस है मस्टर्ड ऑयल है ये सब मिक्स uh, होता है कि नहीं होता है अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि वन यू uh, दो ग्लास पानी है एक में आप एक चम्मच हनी डालो और एक में एक चम्मच तेल डालो सो वॉट यू सी कि जो द हनी विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द ग्लास बट ऑयल विल फ्लोट ऑन द सर्फिस सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बायसी विच इज कॉल्ड बायट तो विस्किस uh, है हनी जो है उसकी विस्किसटी ज़्यादा है वो गाढ़ा है तो वो नीचे बॉटम में तो हमने देखा कि हनी जो है वो गाढ़ा ज़्यादा है सो so, अब हमें पता चल गया नाउ वेन यू लुक एट दिस फिगर यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पे देर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर फ्लोटिंग इन वाटर वेल सम आर सिंकिंग तो ये एक अमेटेलिक की है जो कि दैट हैज़ बिन संक और द लीफ इज़ फ्लोटिंग ऑन द पेकर अब हम ये हमने देख लिया ये प्रॉपर्टी नाउ वी विल मूव टू ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी में देर आर थ्री कैटेगरीज वन इज़ ओपेक वन इज ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंट ओपेक ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं करती सो इट डजेंट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट और इट क्रिएट्स अ वॉल फॉर एग्जाम्पल यू इमेजिन कार्डबोर्ड लेयर यू है इन योर लाइब्रेरी और इन बैंक्स और इन एनी ऑफिस दैट यू हैव विजिटेड वहाँ पे देर इज़ अ पार्टिशन दैट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कार्डबोर्ड सो दैट कार्डबोर्ड इज़ ओपेक मेटल हो गया वुड uh, uh, हो गया लकड़ी की ये सारी चीज़ें ओपेक हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल योर वॉल योर डोर दिस इज ओपेक ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार यू कैन सी थ्रू इट एयर एयर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट और दीज दीज बॉटल्स इन द शॉप जो uh, दुकान जाते हैं तो वहाँ पर आगे जिसमें रंग बिरंगी टॉफीज रखी होती हैं इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एज वेल तो ऑल दीज थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट बिकॉज आप इसके अंदर देख पा रहे हो ना यू डोंट नीड टू ओपन द जार एंड लुक क्य इस डब्बे में क्या है यू कैन सी थ्रू इट क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है जिसके धुंधला सा दिखता है सो जस्ट रिमेंबर दैट वो ऑयली चीज़ों के लिए फैटी चीज़ों के लिए हमने जो टेस्ट किया था इन चैप्टर टू कि uh, जो टिफ़िन है जिसमें पराठे मिलते हैं हमें रैप होके दैट पेपर बिकम्स ऑयली एंड देन यू कैन सी थ्रू इट व्हेन यू कीप इट ऑन योर नोटबुक देन यू कैन सी व्हाट इज रिटन ऑन दैट सो ये ट्रांसलूसिड बन गया कि मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और ए, एक एग्जाम्पल ले लो कि uh, जो थैला है जिसमें सामान मतलब द पॉली बैग्स मोस्ट ऑफ दैम आर ट्रांसलूसेंट कि आप उसके आर पार देख सकते हो और दैट एक्सपेरिमेंट दैट वी ऑल हैव डन कि आप एक टॉर्च जलाओ उस पर अपना पाम रखो देन योर लाइट कैन पास थ्रू इट तो ऐसा लाल दिखता है तो हमें ऐसा लगता है वो खून दिख रहा है सो इट इज़ ट्रांसलूसेंट बिकॉज यू कैन सी थ्रू इट लाइट कैन पास थ्रू योर पाम दैट इज द क्रक्स सो वी हैव सीन वॉट इज ट्रांसपेरेंट व्हाट इज ट्रांसलूसेंट वॉट इज यो पेक अब ये हमें हो गया कि इसका फ़ायदा क्या है तो अब मान लो कि किराना दुकान वाला है अ ग्रोसर ही यूजअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिस्स शॉप ऑल सोप्स एट द अनदर वाइल ग्रेन एंड पर्स इज आर स्टोर एट द सम अदर प्लेस तो ऑब्वियसली अगर वो सब इधर उधर इंटरमिंगल कर देगा सो इट विल बिकम मसी सो टू ऑर्गेनाइज वी शॉर्ट थिंग्स तो हम ग्रुपिंग्स कर देते हैं सो दिस इज़ अ यूज ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स और डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज़ सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल आई थिंक प्रोबेबली इन क्लास एट विल स्टडी कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं दिस थिंग्स विल कम अगेन देयर बट इन डिटेल फॉर्म फॉर फॉर नाउ दिस आर है सो की वर्ड्स हमने देख लिए श्याम मजीद देख लेते हैं सो so यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स तो ये हमें पता ही है गिवन मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो इनकी प्रॉपर्टी है कैसी हैं तो अपीयरेंस इससे हमें पता चल रहा है टेक्सचर है रफ है स्मूथ है हार्ड है सॉफ्ट है कुछ वाटर में सोलबल है कुछ अनसोल्यूबल है कुछ ग्लास का बना हुआ है तो वो ट्रांसपेरेंट है लकड़ी का है तो ओपेक है कुछ है ट्रांसलूसेंट है और सिमिलैरिटीज हैं डिफरेंस है कन्वीनियंस के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज वी सॉर्ट देम सो यू यू मस्ट गो थ्रू द पी डी एफ और दफ़ यू इफ़ यू हैव बुक देंड वाइट यू नीड पी डी एफ तो आप किताब से या जहाँ से भी विच एवर सोर्स यू वॉन्ट टू प्रेफर जस्ट गो थ्रू इट रीड इट एंड डू द एक्सरसाइज एंड रिमेंबर द फैक्ट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड रिमेंबर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी चैप्टर फाइव विच इज सेपरेशन ऑफ सेपरेस थैंक यू